हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, ये मॉर्निंग का व्यू है और आसमान में ना बहुत ज़्यादा काले बादल जो है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है लग रहा है। शायद बर्फ़बारी होने का चांस बन रहा है। तो ये है मेरा मॉर्निंग का रूटीन। तो अभी मैंने जो है चूल्हे से राख को उठा, मतलब निकाल दिया है। अब आग जलानी है, मॉर्निंग का वर्क है। तो मैं अभी इसको फेंकने जा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये जो है बर्फ़ के दूसरे दिन, मतलब कि सेकंड डे का है। आप देख पा रहे होंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ना बर्फ पड़ी हुई है। बट अभी ना ये देखिए, इसमें ना बिल्कुल वो लगा हुआ है, मतलब जम चुकी है बर्फ। और ये ना बहुत ज़्यादा स्लिपी होती है और इस पर चलना ना बहुत ज़्यादा टफ होता है। देख सकते हो सारे में इस तरह से जो है लगा। और मैं चप्पल पहन के जा रही हूँ, जो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है, पर फिर भी मैं जाऊंगी। आउट। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं पानी पूरी तरह से जम चुका है और हवा। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए पानी ना बिल्कुल, बिल्कुल जम चुका है। और इवन इसमें भी नीचे जो है ये देखिए कितना जमा हुआ पानी, और सारे नलके भी ना जाम है। हो ठंड। और मैं दिखाऊं आपको, मेरे छींगी आ गया। इसको ना किसी ने काटा हुआ है और लिचू का दर्द हो रहा है। इसकी टांग तोली हुई है किसी ने। मेरे बेबी ठंड नहीं हुई तुझे? ठंड नहीं हुई बेबी को? जा जाएगा जा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना कपड़े रखे हुए थे, ये देखिए कपड़े बिल्कुल जो है कैसे, ये देखिए बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं, मतलब उसमें जम चुकी है बर्फ बिल्कुल। और ये देखिए नलके बिल्कुल ही जाम है, कोई पानी नहीं है, बिल्कुल जो है जाम हो चुके हैं नलके। और अब पता नहीं कब तक जो है, ओह ठंड ठंड बहुत ज्यादा है। ये देखिए ये कितना सॉफ्ट, ये देखिए इधर से सारा जो है आपको धुआं दिख रहा होगा। ये जो है चूल्हा जो मैंने जलाया हुआ है, उसकी पाइप से निकलता हुआ धुआं। और यहाँ पर अभी तो दिसंबर का ही महीना है, आगे मार्च तक बहुत ज़्यादा इसी तरह से बर्फ बीच बीच में पड़ती रहती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठी हो जाती है और ठंड बहुत ज़्यादा रहती है। तो आज नहीं, मुझे ध्यान नॉट ध्यान है, मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि आज हम स्कूल जाएंगे या नहीं, शायद। क्यों, अभी तो रोड में कुछ भी नहीं चला है, मतलब कि बिकॉज यहाँ पर क्या है, शान जो है जमी रहती है, मतलब पाला जम बर्फ जमी रहती है सड़कों पर। देश में जो है सुबह चलना काफ़ी ज़्यादा टफ रहता है। आप देख सकते हैं नज़ारा, कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। वो देखिए सुबह की लालिमा किस तरह से अपनी सुंदरता को बिखेर रही है। और ये देखिए इस तरह से जंगल का नज़ारा मॉर्निंग का। हाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। ये देखिए मैं चलती हूँ, मुझे जाना है गाय के पास भी। आप देख सकती है, देखिए आवाज़ आ रही है बर्फ़ किस तरह से जो है जम चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है। तो चलते हैं किचन में और मैं चाहती हूँ गाय दूने, मुझे जो है सारा काम कंप्लीट करना होता है जल्दी से, बिकॉज अनन्या के एग्ज़ाम भी है, दूसरा मुझे घर जाना है स्कूल शायद। तो आज मैं लंच के लिए बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। आप देख सकते हो मैंने पनीर को कट कर दिया है और बाकी जितने भी मसाले हैं सबको जो है चॉप कर दिया है। सारे मसाले रखे हुए हैं, ये प्याज चॉप कर दिया है बिल्कुल बारीक फाइन चॉप, और टमाटर भी चॉप कर दिए, और यहाँ पर रख दिए कढ़ाई। ओह इसमें पानी है थोड़ा सा, इसको डाल देती हूँ। और जो पनीर है ना वो मैं घर पर बना दिया था अपना, मतलब कि देसी पनीर देसी तरीके से बना दिया था। तो अब इसमें मैं जो है तेल डाल देती हूँ, इसको पहले सूखने के लिए रखती हूँ, और उसके बाद मैं आपके साथ अपनी सिंपल सी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने जो है लिए हैं मसाले, लौंग, इलायची छोटी इलायची, तेज़पत्ता और काली मिर्च, लाल मिर्च और हरी मिर्च ली है। सारे मैं
तो मैंने तड़का मार दिया है। आप देख सकते हो जितने में इसमें टमाटर गलते हैं उतने में मैं जो है पेड़े बना के रखती हूँ रोटी बनाने के लिए। फिर उसके बाद गाय दूने जाऊंगी और उसके बाद जाके इसको भी कवर कर देते हैं पहले। तो ये मैंने जो है पेड़े बना दिए हैं और उतने में आप देख सकते हो ये तड़का भी हो चुका है। अब मैं इसमें जो है ऐड कर दूंगी पनीर। एक्चुअली मैं जो है पूरी जो है वीडियो नहीं बना पाई जो है किसी वजह से टाइम नहीं रहा। और ये देखिए इस तरह से बन के तैयार हुई है और खाने में बहुत ही लजीज। तो अब मैं जा रही हूँ स्कूल। देख सकते हैं मेरा डॉगी भी साथ है और ये है खूबसूरत सा व्यू मेरे घर के साथ। अभी भी आप देख सकते हैं बर्फ़ जो है सारी की सारी पड़ी, मतलब इस साइड जो है पूरी रही है क्योंकि यहाँ पर जो है धूप काफ़ी कम लगती है तो काफ़ी देर तक जो है इसमें बर्फ़ पड़ी रहती है। और आस पास जो व्यू है ना बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हो इस साइड जो है बर्फ़ निकल चुकी है बिकॉज़ यहाँ पर क्या एक ही दिन में बर्फ़ निकल गई थी क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ लगी है और जिस जगह पर धूप लगी है वहाँ पर बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जो है जल्दी गल जाती है। आजकल की जो बर्फ़ होती है काफ़ी ज़्यादा हल्की होती है इस वजह से। और आप देखिए जो व्यू है ना बहुत ही ज़बरदस्त है। होप आपको मेरी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। और ये पार जो है हिमालयन रेंज दिख रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।